गीतांजलि और आप देख रहे सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर में कई महीनों से किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर रहे आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई करने की जगह पुलिस ने पीड़िता से राखी बंधवाकर छोड़ दिया तथा आरोपी का शांति भंग में चालान किया। आरोपी ने किशोरी का घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। डराने के लिए घर पर पथराव भी किया। पुलिस चौकी पर आरोपी को राखी बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आज के बाद कोई गलती हो ना जा इसके साथ ना किसी भी लड़की के साथ में। हर साल राखी बनवाने आई है, हर हर सगुन दे, सगुन देखा है। पैसे दे, अब चल बहन बनी है, पैसे दे अपनी बहन के भाई। हाँ सगुन दे, जो जो इच्छा है आप। हाँ अरे हर साल राखी बनवाएगा तू। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद, अध्यक्षा टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक मनचले रोमियो लड़के के हाथ में वही लड़की राखी बांध रही है जिसको वो कई महीने से जिसके साथ में छेड़खानी कर रहा था, परेशान कर रहा था। घटना 17 अगस्त की है। लड़की घबराहट के कारण अपने परिवार वालों से कुछ नहीं कह पा रही थी। 17 अगस्त में लड़की ने अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से सारी बात बताई तो लड़की के माता पिता लड़के के परिवार वालों से बात करने गए। वहां लड़के के परिवार वालों ने अपने लड़के का पक्ष लिया और शाम को लड़के के परिवार वाले लड़की वालों के घर पर आए। वहां आकर लड़की के माता पिता नहीं थे, उन्होंने मकान मालिक के साथ में बदतमीजी करी, हाथापाई की और अपने लड़के को बदनाम करने की तोहमत लगाने लगे। यही संरक्षण पाकर लड़के ने अपने मित्र के साथ में जो है लड़की वालों के घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही लड़की के माता पिता ने मुझे दी तो मैंने उनकी कंप्लेंट थाने में तहरीर दिलवाई लड़की वालों से और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करी। लड़के के मित्र को 18 तारीख की शाम को ही लड़के के मित्र को 4 बजे पुलिस उठा लाई थी। लड़का फरार था, लड़के के माता पिता फरार थे। 19 तारीख में जैसे ही लड़का भी और लड़के के माता पिता भी बस अड्डे पुलिस चौकी पर आ गए और वहां पर मैं भी उन लड़की के माता पिता और लड़की को लेकर बस अड्डे पुलिस चौकी पर पहुंची और वहां पर लड़के ने लड़की के परिवार वालों से माफ़ी मांगी, उनके पैर छुए और भविष्य में किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की गलती ना करने का वचन लिया। वहीं पर मैंने लड़की के द्वारा लड़के को राखी बंधवाई और उसको यह हिदायत दी, उससे यह वचन लिया कि हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन यह लड़का जाकर लड़की के घर पर जाकर इस लड़की से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा। तो मैंने अभी ना ही लड़के का नाम लिया है और ना ही लड़के के माता पिता का नाम लिया है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।